अगर मैं आपको कहूं कि जो बाल आपके झड़ गए हैं वो 7 दिन में उल्टे आ जाएंगे, इसके अलावा जो बाल टूट रहे हैं आपके वो 7 दिन में ही रुक जाएंगे, तो हो सकता है आप इस बात में कंफ्यूज हो जाएं कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपके सामने एक ऐसा घरेलू नुस्खा लेके आया हूँ जो इतना कारगर है, 100% रिजल्ट देगा, आपके बाल टूटे हुए उल्टे आ जाएंगे, आपकी बाल झड़ने की समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। तो इस नुस्खे में क्या है भाई, सबसे पहले है अदरक, उसके बाद है प्याज, 2 पीस आपको नॉर्मल साइज के प्याज लेने हैं, साथ साथ आपको एक छोटा पीस अदरक लेना है, ये आप 85 ग्राम ले लेंगे सफिशियंट रहेगा, इसको आपको कूट लेना है और इसका रस निकाल लेना है। ये हमने प्याज का रस निकाला हुआ है और ये है आपका अदरक का रस। तो इस अदरक के रस के अंदर आपको ये दोनों को मिक्स कर लेना है, ये हमने मिक्स कर लिया है और इसको हमें पेशेंट के सिर पे लगाना है जिनको ये समस्या आ रही है, ये आपको लगाए रखना है, जैसे आप रात को लगाए रखेंगे सुबह आप नॉर्मल बिना किसी शैम्पू के आपको सिर धोना है। तो दोस्तों प्याज के अंदर काफ़ी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनसे आपके हेयर रूट्स थिक होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपके हेयर रूट्स, जैसे अभी आप देख पा रहे हो पेशेंट के हेयर रूट्स काफ़ी थिन हैं, थिन बालों की जो स्कैल्प के ऊपर पकड़ रहती है वो काफ़ी कमज़ोर होती है। अब हम ये नुस्खा डेली 7 दिन पेशेंट के स्कैल्प पे अप्लाई करेंगे तो इनके धीरे धीरे बाल मोटे होने स्टार्ट हो जाएंगे। जितने ज़्यादा मोटे बाल होंगे उतने जल्दी हेयर फॉल की समस्या कम होती जाएगी। पेशेंट के बाल अगर मोटे रहेंगे तो कम बाल टूटते हैं एज कंपेयर टू थिन, थिन बाल हमेशा ज़्यादा टूटते हैं। हल्का हल्का लगाना है आपको, ये अधिकतर पेशेंट्स के जो दिक्कत आती है वो मेल पैटर्न बाल्डनेस की दिक्कत आती है, जो ऊपर वाला पोर्शन है आपका ये वाले बाल ज्यादा जाते हैं पेशेंट के, तो इन्हीं बालों में आपको ये चीजें लगानी है, ना कि आपको पूरे बालों में लगानी है। जैसे अभी हमने पेशेंट के स्कैल्प के ये चीजें लगा के और पेशेंट रात को लगाएंगे तो उतना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको कोई डेली एक्टिविटीज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप रात को लगा लीजिए और सुबह आप अपने नॉर्मल शैम्पू या अगर नॉर्मल शैम्पू का भी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप प्लेन वाटर से अगर आप अपना हेड वॉश कर लेंगे तो जो स्मेल है वो भी चली जाएगी, जो आपको प्याज की स्मेल आती है, साथ साथ आपकी जो बाल हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और सिल्की टाइप के हो जाएंगे। तो दोस्तों ये इतना ज़्यादा कारगर है कि आप मात्र 7 दिन के अंदर ही ये नुस्खा करने से ये आपके बाल झड़ रहे हैं तो वो कंट्रोल हो जाएंगे, साथ साथ धीरे धीरे हम 1 हफ्ते के बाद पेशेंट के दिखाएंगे यहाँ से नए नए हेयर रूट्स ग्रो होने स्टार्ट हो जाएंगे, जो पोर्स हैं पोर्स खुलने स्टार्ट हो जाएंगे और उनसे छोटे छोटे बाल ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, साथ साथ और भी पेशेंट को कोई क्वेरी है कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका हम आंसर देंगे। साथ साथ अगले वीडियो के अंदर हम वही चीज़ें डिस्कस भी करेंगे, साथ साथ जिन पेशेंट को हेयर फॉल की समस्या है या बिल्कुल गंजे हो चुके हैं तो वो पेशेंट ये नुस्खा अपने बालों पर अप्लाई करें और मात्र 7 दिन के अंदर आप अपने नए बालों की ग्रोथ लाइए, साथ साथ जो बाल टूट रहे हैं उनको